गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि एसएससी जीटी और स्टेनो का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, उसी के लेकर के आपको मॉक टेस्ट मैं डेली अपलोड करा रहा हूँ, जो कि टाइमिंग है सुबह का 6 बजे, जिसका ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और 2 मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आपको देख लेने हैं सारे वीडियो को। फ्रेंड्स ये वीडियो मैं बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हम लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी किरण प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि आपको रूल पता होगा, पर क्वेश्चन के लिए आपको 3 सेकेंड का टाइम मिलेगा, मतलब कि आपको मॉक टेस्ट का एक प्रैक्टिस एक्सपीरियंस लेने हैं। चलिए तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, आप लोग करेक्ट कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो किरण विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है कौन सा है, कैथोड किरण। बाकी ये जो तीनों किरण है विद्युत चुंबकीय तरंग है, किरण है। नेक्स्ट है हम लोग का, RBI की खुले बाजार की क्रिया कौन सी है। तो फ्रेंड्स RBI की खुले बाजार की क्रिया सिक्योरिटी में व्यापार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पे, भारत और डैस ने भारत के अधिनियम ईस्ट पॉलिसी के कार्यान्वयन में कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में शामिल सिटवे पोर्ट, पेलेटवा इनलैंड वाटर टर्मिनल और संबंधित सुविधाओं के संचालन और रख रखाव के लिए एक निजी पोर्ट ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए इसको मैं जूम करता हूँ, अच्छे से आपको पढ़ के इसका आंसर देना है, पॉज करके आप अच्छे से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार, भारत और म्यांमार ने इस पूरे घटना को अंजाम दिया, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग का, राष्ट्रपति कार्यकाल से राज्यपाल को हटाने के लिए किससे सलाह लेता है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति कार्यकाल से राज्यपाल को हटाने के लिए राष्ट्रपति किसी से सलाह नहीं लेता है, राज्यपाल ही राज्यपाल की नियुक्ति करता है और उसको हटाता है। इस वीडियो में मैंने हर क्षेत्र से आपको वीडियो को क्वेश्चन को इंक्लूड करा है, या फिर करेंट अफेयर है वो या कोई भी हो। नेक्स्ट, नाखून पॉलिश हटाने वाले पदार्थ में निम्नलिखित में से क्या है। तो फ्रेंड्स उसमें एसीटोन पाया जाता है, नाखून पॉलिश हटाने वाला है उसमें क्या पाया जाता है, एसीटोन पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, राजधानी एवं मुद्रा से भी क्वेश्चन बहुत सारा बनते हैं, तो यहीं पे क्वेश्चन है, बारबाडोस की राजधानी क्या है। तो फ्रेंड्स बारबाडोस की राजधानी ब्रिज टाउन है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रोमवेल जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स क्लोमवेल जलधारा प्रशांत महासागर में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुल्लेड राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में स्थित है मुल्लेड राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट हम लोग का, मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाले विटामिन का नाम बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स मूत्र में आमतौर पर उत्सर्जित होने वाला विटामिन विटामिन बी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, कीट द्वारा काटने पर खुजली किस अम्ल के कारण होती है। तो फ्रेंड्स कीट द्वारा काटने पर खुजली फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है, बॉडी में क्या होता है फॉर्मिक अम्ल आ जाता है, इसी के कारण खुजली होती है। नेक्स्ट है, किस संशोधन अधिनियम से नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो फ्रेंड्स 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है, नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हम लोग का, आधे अधूरे पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स आधे अधूरे पुस्तक मोहन राकेश द्वारा लिखी गई, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप इस वीडियो का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रखा है। नेक्स्ट, रंगास्वामी कप डैश से संबंधित है,
रंगास्वामी का फ्रेंड्स हॉकी से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया? तो फ्रेंड्स इसका गठन किया गया 1995 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने महीनों तक लागू रह सकता है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति द्वारा जो अध्यादेश जारी किया जाता है वो 6 महीने तक लागू रखा जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हम लोग का, तकला मकान रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस देश में? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। तो फ्रेंड्स तकला मकान रेगिस्तान चीन में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है? तट रेखा की बात हो रही है। तो फ्रेंड्स भारतीय तट रेखा की लंबाई 7500 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, बेल्जियम की मुद्रा क्या है? देखिए पहले ही बोले मुद्रा राजधानी से क्वेश्चन बनता है, मुद्रा बताना है बेल्जियम का। तो फ्रेंड्स बेल्जियम की मुद्रा होती है ईरो, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, विभव मापी का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स विभव मापी का उपयोग विद्युत विभव मापने के लिए किया जाता है, यहाँ पे विभव विभव ठीक है, इससे आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, एक्स किरणें निम्नलिखित में से किसमें समाविष्ट है? तो फ्रेंड्स एक्स किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय विकिरणों में समाविष्ट होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बार निम्नलिखित में किसकी इकाई है? तो फ्रेंड्स बार दाब की इकाई होती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस वेद का नाम बताएं जो आंशिक रूप से गद और आंशिक रूप से पद में है, दोनों में स्थित को किस वेद में आता है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स आंशिक रूप से गद एवं आंशिक रूप से पद है यजुर्वेद में, ठीक है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यजुर्वेद को ट्रिक से हम लोग याद करते हैं, यजुर् में क्या आ रहा है? जुर, ठीक है, यजुर् में हम लोग का आ रहा है जुर। जुड़ता कब है? जब दो ठो चीज रहता है तब जुड़ता है, तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? गद और पद जब जुड़ेगा तो जुड़ मतलब यजुर् हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस की बात है। नेक्स्ट हम लोग का, किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश को जारी किया जा सकता है जिसमें सांसद के अधिनियम के समान शक्ति होती है? तो फ्रेंड्स जो अध्यादेश है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत कोई भी अध्यादेश जारी किया जा सकता है जिसमें संसद के अधिनियम के समान शक्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कथन जहाँ कोई कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है किसने कहा है? तो फ्रेंड्स लॉक ने कहा है, जहाँ पे कोई कानून नहीं है वहाँ पे कोई स्वतंत्रता नहीं है। नेक्स्ट है, किस सदन में धन विधेयक केवल पेश किया जा सकता है? तो फ्रेंड्स लोकसभा में केवल धन विधेयक को पेश किया जा सकता है, लोकसभा में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है, आलू को जमीनी सतह पकाने में पहाड़ की चोटी पर पकाने से कम समय क्यों लगता है? बिकॉज फ्रेंड्स वहाँ पे चोटी पर क्या होता है? वायुमंडलीय दाब कम होता है, इसी की वजह से आलू को जमीनी सतह पकाने में पहाड़ की चोटी पर पकाने से कम समय लगता है। नेक्स्ट आता है हम लोग का, अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है, इसे क्या कहा जाता है? वायुमंडलीय दाब बढ़ने को क्या बोला जाता है? तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है उत्क्रमण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, धर्म गार्डियन 2018 भारत और जापानी सेनाओं के बीच 14 दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास डैश में शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स कहाँ पे शुरू हुआ है? तो मिजोरम में शुरू हुआ है धर्म गार्डियन 2018 सेनाओं के बीच, ये क्या है? युद्धाभ्यास है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है युद्धाभ्यास से। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ युद्धाभ्यास से रिलेटेड, जिस जो आप जाकर के प्ले लिस्ट से या फिर वीडियो लिस्ट से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, भारत ने व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स जर्मनी के साथ हस्ताक्षर किया है भारत, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग का, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डैश से भारत कोई भी भारत स्टेज 4 वाहन का विक्रय नहीं किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स वो टाइम कब है, तो अप्रैल 1, 2020 से भारत में कोई भी भारत स्टेज फोर वाहन का विक्रय नहीं किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता हम लोग का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी कि MoEFCC और डैश द्वारा संयुक्त रूप से भारत में वन अग्नि प्रबंधन को मजबूत करना रिपोर्ट तैयार की गई है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है, तो फ्रेंड्स विश्व बैंक द्वारा ये रिपोर्ट तैयार की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक और यहाँ पे पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय दोनों मिलकर ये रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट है, ओस्टर्ड किस मात्रा की इकाई है। फ्रेंड्स मैं एक फुल मॉक टेस्ट की तैयारी में लगा हुआ हूँ, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए वो भी फुल मॉक टेस्ट यानी कि 200 क्वेश्चन चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे आपको भी बेनिफिट हो और लोगों को तक भी ये पहुँच सके क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 84 नंबर, प्रदूषण नियंत्रण अनुसंस्थान PCRI स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो फ्रेंड्स वो स्थित है हरिद्वार में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है रक्त वाहिका के भीतर रक्त का थक्का बनना क्या कहलाता है, तो फ्रेंड्स उसको बोला जाता है थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉन्ग है, लॉन्ग क्या है, तो फ्रेंड्स लॉन्ग है सूखी फूल की कली, सूखी फूल की कली होती है लॉन्ग। आप लॉन्ग अगर देखते होंगे अच्छे से तो क्या लगता है, वह फूल की तरह लगता है, तो क्या होता है सूखा होता है, सूखी फूल की कली होती है लॉन्ग। नेक्स्ट है किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट डैश में है, तो फ्रेंड्स किशन गंगा पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे है जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कैंसर के अध्ययन को डैश कहा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स कैंसर के अध्ययन को कर्क रोग विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है विश्व कैंसर दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है, तो फ्रेंड्स विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है, फरवरी 4। अब देखिए इसको ट्रिक से याद कीजिए, कैंसर कैंसर में क्या होता है, चीर फार होता है कि नहीं, चीर से बन गया चार, फार से बन गया आपका फरवरी, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस। ऐसे ही ट्रिक्स आपको मिलते रहेंगे, बस आप इस चैनल पे बने रहिए। नेक्स्ट आता है भूजल प्रणाली में पीएच की सामान्य सीमा क्या है, तो फ्रेंड्स भूजल प्रणाली में पीएच की सामान्य सीमा होती है 6 से लेकर 8.5 तक। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से किस राज्य में टिस्को प्लांट स्थित है, टिस्को प्लांट, टिस्को प्लांट फ्रेंड्स स्थित है जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है इंडिया स्किल 2018 का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है, देखिए आपका करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, कहाँ आयोजित किया गया फ्रेंड्स, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया इंडिया स्किल 2018 का दूसरा संस्करण है नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कतनीरिया घाट वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में है, तो फ्रेंड्स वो उत्तर प्रदेश में है, कतनीरिया घाट वन्य जीव अभयारण्य, वन्य जीव अभयारण्य बाघ अभयारण्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, इसलिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है RBI ने केरल बैंक के गठन के लिए केरल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी है जिसमें डैश रुपए की सूद जमा राशि थी, देखिए ये भी आपका करंट अफेयर्स से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फ्रेंड्स वो राशि कितनी थी, तो 650 अरब की राशि थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है देखिए बुक एंड ऑथर से मैंने कितना बार बोला कि हर साल हर कोई भी एग्जाम उसमें एक क्वेश्चन तो बनता ही है। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे फ्राइस्टी एट 50 पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है, तो फ्रेंड्स फ्राइस्टी एट 50 सुधा मेनन को द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है किस बीमा कंपनी ने व्यक्तिगत साइबर बीमा पॉलिसी ES Secure लॉन्च की है,
तो फ्रेंड्स किसने लॉन्च किया है, तो HDFC एग्रो ने लॉन्च किया है ये सिक्योर। नेक्स्ट आता हम लोग का स्वराज पार्टी का स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो फ्रेंड्स स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में की गई थी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आता है उस जगह का नाम बताइए जिसमें 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होती है, सबसे छोटी रात और दिन कहाँ पे होती है, तो फ्रेंड्स मेलबोर्न में होती है, ठीक है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स इजराइल के संसद को नेसेट बोला है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वराह मिहिर किस काल से संबंधित है, तो फ्रेंड्स वराह मिहिर जो थे वो गुप्त काल से संबंधित थे, ठीक है। वराह मिहिर क्या थे, खगोल शास्त्री थे, भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।